ये देखिए गाइस, हमारी दलिया की रेसिपी। और बहुत यम्मी, बहुत इजी ढंग से बनाएंगे, 5 मिनट में बनाकर बिल्कुल तैयार करेंगे। ब्रेकफास्ट, डिनर या फिर लंच में खाएं और अपने छोटे बच्चों को भी खिलाएं, हेल्दी एंड टेस्टी। गाइस, ये जो लोग डाइट को फॉलो करते हैं, जो लोग डाइटिंग करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनी है ये रेसिपी। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छाया मिश्रा में। गाइस देखिए, गाइस आज हम फिर से एक नई रेसिपी लेके आए हैं जो कि बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है आप लोगों के लिए। ये दो तरह की दलिया रखी हुई है। तो ये देखिए, कच्ची वाली दलिया है जिसको हमने फ्राई नहीं किया है, और ये हमारी फ्राई दलिया है यानी भुनी हुई दलिया है। हमने इसमें भूनना नहीं बताया है, मीठी दलिया बनाई है उसमें हमने भूनना बताया है। आप लोग उसमें देख लीजिएगा कि कैसे हमने इसे भूना है। तो हम इसमें ये दलिया हटा देंगे, फ्राई वाली दलिया लेंगे जो हमने भून रखी है उसको लेंगे। गाइस इस समय कोल्ड हुआ है, तो इस समय मौसम बदल रहा है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको कोल्ड ना हो जाए या परेशानी ना हो कुछ। तो ऐसे में क्या लगता है खासतौर से घर की लेडीज को कि ऐसा कुछ खाना हम बनाएं जिसकी वजह से हमारा खाना जल्दी भी बने, टेस्टी भी बने और सभी लोग अच्छे से खा ले। तो आज उन्हीं लोगों के लिए हम रेसिपी लाए। इस टाइम हम काफी इजी इजी रेसिपी ला रहे हैं, जैसे कि हमने मूंग दाल की खिचड़ी बताई थी और आज हम बना रहे हैं नमकीन दलिया। एक बार और नमकीन दलिया हम बना चुके हैं, वो ड्राई वाली है। ये हम थोड़ी सी लिक्विडी रखेंगे जो कि छोटे बच्चे भी आराम से खा सकें, 6 महीने के बच्चे होते हैं उनको भी ये दी जा सके। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए गाइस, कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट, मतलब हमने एक आलू चॉप कर लिया है। आपके पास मटर, शिमला मिर्च, जो भी सब्जियां हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। धनिया काट ली है, और ये टमाटर, ये अदरक और ये मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब इस कटोरी में हम थोड़े से मसाले, क्योंकि हमें फ्लेवरफुल बनाना है इस वजह से, ये देखिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर, टेस्ट के अनुसार मिर्च, क्योंकि मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार खाइएगा, क्योंकि ज्यादा मिर्च वाली नहीं अच्छी लगती है, थोड़ी सी धनिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब ये देखिएगा, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि जिससे हमारे मसाले जले नहीं, क्योंकि सूखे मसाले डालने से जल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा घोल बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए गाइस, घोल बन चुका है, तो चलिए बनाते हैं अपनी। ये देखिए गाइस, हमने फ्लेम चढ़ा दिया और ये हमने डाल दिया अपना ऑयल, जो भी आप ऑयल खाएं वो। ये देखिए गाइस, अब इसमें हम 1/2 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं, 2 चुटकी हींग। और ये देखिए गाइस, अब हम अपना भीगा हुआ मसाला, ये देखिए गाइस, अब हम अपना टमाटर, अदरक, मिर्च डालेंगे इसमें। ठीक है, और अपना डालेंगे आलू, फ्राई कर लेंगे इनको। ये देखिए गाइस, अब टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करेंगे 1 स्पून। ये देखिए गाइस, अपनी हाफ दलिया, हाफ कटोरी में जो ली थी। ठीक है, इनको भी आपस में 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए इसे मिला लेंगे और थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे। ये देखिए गाइस, हाफ कटोरी दलिया ली थी, तो ये 2 कटोरी हम पानी ऐड करेंगे इसमें। आप अपने हिसाब से थिक या फिर लिक्विड बना सकते हैं इस दलिया को, तो अपने हिसाब से आप डाल लीजिए पानी। तो 2 कटोरी में पानी ऐड किया हुआ है। ठीक है, और अगर हमें जरूरत लगेगी तो हम पकाने के बाद में भी पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन बॉयल पानी ऐड करना है, ठंडा पानी नहीं ऐड करना है। ये देखिए गाइस, 1/2 टेबल स्पून जलजीरा पाउडर या फिर चाट मसाला, या फिर आपके पास अगर ये चीजें ना हो तो आप अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। देखिए गाइस, हमको अभी थोड़ी सी पतली नहीं लग रही है, थोड़ी थिक लग रही है, हम इसमें 1 कटोरी पानी और डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पतली अच्छी लगती है, तो इसमें हम देखो 3 कटोरी पानी डाल रहे हैं। ठीक है, 1/2 कटोरी दलिया थी मगर आलू और सब्जियां मिलकर के ज्यादा हो गया था, इस वजह से हमने 3 कटोरी पानी ऐड किया हुआ है। अब इसमें ऐड करेंगे हरी धनिया और कुकर की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए, अपना इच्छा अनुसार डालेंगे धनिया, और अब हम कुकर को बंद करेंगे और 2 से 3 सीटियां लगा लेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे। गाइस ये रेसिपी उन लोगों के लिए है, डाइटिंग करते हैं, तो गाइस ये रेसिपी उनके लिए बेस्ट है। आप उसमें आलू की जगह पर सोयाबीन बरी, हरी सब्जियां और भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे से बनती है ये रेसिपी, एकदम चटपटी सी। तो चलिए इसमें सीटी आने देते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस, इसी तरह से 2 सीटियां आ चुकी हैं, और अब इसको कर देंगे और फिर एयर निकलने के बाद मिलेंगे। ये देख सकते हैं गाइस, हमारी सीटी निकल चुकी है, ओपन कर लेंगे इसको और देखेंगे कि ये कैसी हुई।
ये देख सकते हैं गाइस कितनी प्यारी लग रही है देखने में ही, और इतनी ये देखिए गाइस बिल्कुल टेस्टी लग रही ना दलिया। और इसका जो आलू जो इसमें पड़ा है वो भी अच्छे से पक कर आया होगा, हम आपको इसको तोड़ कर दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं गाइस, ये देख सकते हैं गाइस, ये देखिए बिल्कुल गल गया है आलू, ये देखिए बिल्कुल छूने से ही फूट रहा है। तो चलिए इसको भी सर्व करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस इसको हम सर्व कर रहे हैं और ये सर्व करने में ही कितनी प्यारी लग रही है। और गाइस इसमें अगर मटर या बीन्स पड़े हों तो और भी टेस्टी लगेगा। ये देखिए, ये देखिए, और जितना ये बनाने में आसान है उतना ये खाने में बहुत टेस्टी है। तो चलिए इसको हम सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस हमारी एकदम यम्मी यम्मी टेस्टी सी दलिया जो बनकर 2 मिनट में तैयार है। गाइस इसको ब्रेकफास्ट में खाइए, लंच में खाइए, डिनर में खाइए, किसी में भी खाइए, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी। इसको और भी आप अपने हिसाब से टेस्टी बना सकते हैं। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।